कमलेश तिवारी हत्याकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, और कितनी घटनाएं बताएं हम आपको। उन्होंने कहा कि कमलेश तिवारी की मां कह रही है कि हमें सुरक्षा अगर कभी मिली थी तो वो समाजवादी सरकार में थी, और आजम खान साहब के जमाने में हमें सुरक्षा के लिए नगर मिले थे, लेकिन इस योगी सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दी और उसी का परिणाम है कि हमारे बेटे की हत्या हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से घबरा तो नहीं जाओगे, बीजेपी के लोग खुद दुखी हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, खुद परेशान है, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो मारा गया है लखनऊ में उसकी माँ का स्टेटमेंट जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि आखिरकार दोषी कौन है। और इस कहानी को भी दूसरी कहानी की तरफ ले जाकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2015 में धमकी दी गई थी, और अगर 2015 में धमकी दी गई थी तो बताओ ढाई साल से सरकार क्या कर रही थी, ढाई साल से सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, या केवल कहानी बना रहे हैं। और जिन्होंने घटना की वह भी नहीं पकड़े गए हैं, पकड़े वो गए हैं जो 2015 में साजिश कर रहे थे। आखिरकार सरकार किस रास्ते पर है, और जिस रास्ते पर सरकार है उसे हमारा और आपका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। बीजेपी से घबरा तो नहीं जाओगे, अरे बीजेपी के लोग खुद दुखी हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, खुद परेशान हैं, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो मारा गया है लखनऊ में उसकी माँ का स्टेटमेंट जरूर देखना टीवी पर, पूरा देखना कि माँ ने क्या क्या कहा है, तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार दोषी कौन है। और उस कहानी को भी दूसरी कहानी की तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2015 में धमकी दी गई थी, और अगर 2015 में धमकी दी गई थी तो बताओ पिछले ढाई साल से सरकार क्या कर रही थी, ढाई साल से सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये केवल कहानी बना रहे हैं। और जिन्होंने घटना की वो अभी नहीं पकड़े गए हैं, पकड़े वो गए हैं जो 2015 में साजिश कर रहे थे, इसलिए उसकी माँ की बात सुनना आप, और अगर माँ की बात सुन लोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार सरकार किस रास्ते पर है, और जिस रास्ते पर सरकार है उससे आपका हमारा भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। और घटनाएं हम कितनी बताएं आपको, अभी जो घटना लखनऊ की बताई कि एक हिंदू महासभा का नेता, उसकी हत्या कर दी गई लखनऊ में, और आपने तो टीवी देखो, आप टीवी पे लगातार चल रहा है उसकी मां क्या कह रही है, उनकी मां कह रही है कि हमें सुरक्षा अगर कभी मिली थी तो समाजवादी सरकार में सुरक्षा थी और आजम खान साहब के जमाने में सुरक्षा थी, हमें सुरक्षा मिली थी, गनर मिले थे, लेकिन इस योगी सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दी और उसी का परिणाम है कि हमारे बेटे की हत्या हो गई। बताओ पुलिस का सब कुछ है वहां, बीजेपी का सब कुछ है, चौकी से लेकर के ऊपर तक सब कुछ बीजेपी के हैं, सरकार उनकी है, बताओ हत्या हो गई उन्हीं, क्या हत्या को रोक पाई ये लोग, और फिर ये कैसे हत्या रोकेंगे जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि आप अगर व्यवस्था ठीक करना चाहते हो तो ठोक दो, और ऐसा ठोकना सिखाया है कि जनता को नहीं पता किसको ठोकते हैं और पुलिस को पता नहीं किसको ठोकते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।